पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून। लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, पर आप लेट हैं। I'm sorry, but sir, I am not to be blamed. मैं लेट आपकी वजह से हुआ हूँ। हाँ सर, आपको दादर की वो समोसे आपको पसंद है ना? वही तो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। चंदू, अरे वक्त तो इसका है, चलो सर्व करो ये, प्लीज लेकर जाइए, लेकर जाइए। लीजिए आपके लिए खास। चलो अब खाते खाते प्रेजेंटेशन देखते हैं। आइए ये बात। ओके अच्छा हुआ दासनी नहीं है आज, नहीं तो समोसे के चक्कर में डील हाथ से पक्का चली जाती। कियारा, आप सही कह रही थी, मिस्टर राजेश वागले सच में आपकी कंपनी के स्टार एम्प्लॉय। Kiara, Nick, the deal is on. Oh, fantastic. Thank you so much. I'll make a move. नहीं तो मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। Yeah, yeah. All right. Thank you so much. Thank you. Good day. See you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Once again, sorry for the delay. Mr. Wagle, कहाँ रह गए थे आप? हमारे हाथों से almost deal जाने वाली थी। I'm sorry. वो घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो। मेडिकल इमरजेंसी? क्या हुआ मिस्टर वागले? मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था और उतने में आराम से दादी बस सखी जल्दी से गर्म पानी में शहद मिला कर ला, जल्दी। हाँ आराम से। मम्मी क्या हुआ? क्या बताओ बेटा, काफी देर से लगातार खांसी जा रही, रुक ही नहीं रही है। इरिटेशन की वजह से खांसी हुई होगी। इरिटेशन नहीं है राज, नॉन स्टॉप खांस रही है, जैसे खांसी का दौरा पड़ा। मनोज चाचा और विद्या कहाँ? काम पर गए वो, इसीलिए तुझे फोन किया। कुछ कर बेटा, जल्दी जल्दी ला सकते। दादी धीरे 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 बंधु, मुझे लगता है मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मम्मी चलो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे ये वेदर चेंज है ना, उसकी वजह से खांसी आ रही मुझे। एक मिनट दादी, ये सिर्फ वेदर चेंज की वजह से नहीं हो रहा है, ये देखिए टेबल पे कितनी धूल जमी हुई है, तो सोचो कि हवा में कितनी होगी। बाप रे, यहाँ की हवा तो सांस लेने लायक नहीं रही। गार्डन के दो चक्कर लगाता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। सारा दोष जहरीली हवा का है। Exactly, दादाजी, ये सब ना पोल्यूटेड हवा की वजह से ही हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रही है धूल आ कहाँ से रही है। अच्छा मम्मी, वेदर चेंज से हुई खांसी कहकर हम इसे लाइटली नहीं ले सकते हैं। अभी क्या, अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। चलो। नहीं, मम्मी आराम से आइए चलो। और डॉक्टर का क्लिनिक 5 मिनट की दूरी पर है घर से, पर वहां पहुंचने में आधा घंटा लगा। कैसे? हमारे बिल्डिंग के बाहर की गली पिछले एक हफ्ते से खोद के रखी है, पता नहीं ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा ढूंढ रहे हैं उसके अंदर घुस के, मतलब पर्पेचुअली ट्रैफिक जाम होता है, एक गाड़ी नहीं हिलती है वहां से, और जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वो हॉर्न बजाते रहेंगे। उन्हें लगता है कि हाँ ये गाड़ी खड़ी है ना, मतलब ये जो ड्राइवर है ना वो एसी लगा के आराम से बीच सड़क में बैठा है गाड़ी पार्क करके। अरे गधे, उतर के देख तो सही। अच्छा सेकेंडली, जो बाजू वाली लेने जहां से गाड़ी आ रही है, ये हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो यहां से निकलते हैं ना, तो फिर आने वाला ट्रैफिक वो भी चक्का जाए।
मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करो, इतना हॉर्न बजाते, इतना नॉइज पोल्यूशन होता है, इतना डस्ट पोल्यूशन, इतना एयर पोल्यूशन होता है, पूछिए मत। और हम बस बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं भैया जल्दी से जैम से निकलें और अपने अपने ऑफिस चले जाएं। आज पता है मैं खुद गाड़ी के बाहर उतर कर ट्रैफिक मैनेज कर रहा था। अब इस पूरी धांधली में इस जो ट्रैफिक जैम था उसकी वजह से अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो दादर से नहीं लाया हूँ, सामने वाले भवानी शंकर की दुकान से लाया हूँ। पर राजेश भाई ऑन अ पर्सनल लेवल प्लीज अपनी फैमिली का ख्याल रखिए प्लीज। इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। क्या करेंगे अभी राजेश भाई, अपनी बिल्डिंग में हर घर में यही सेम प्रॉब्लम है, या तो कोई खांस रहा है या तो किसी घर में कोई बीमार है। हमारे को बहुत मजा आ रहा है। कल से ये अपना जालर जोशीपुरा लगभग 37 बार हमारे को सॉरी बोल चुका है। ऐसा क्या किया उन्होंने? छींक रहा था ना वो, और रूल्स के हिसाब से जब कोई छींकता है तो उसको सॉरी बोलना पड़ता है। जब वो सॉरी बोलते हैं ना इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कान में किसी ने माउथ प्रेशर डाल दिया हो। लेकिन अच्छा पूरी बिल्डिंग में सब बीमार है हा? सिवा आपके घर की हा? सब एकदम ठीक है कैसे? क्योंकि राजेश भैया हर्षद वो करते हैं जो पूरी सोसाइटी में कोई नहीं करता। क्या माउथ फ्रेशनर खाना? नहीं नहीं वो देखिए वो हमारा नया आरओ प्यूरिफायर। अबे ये बावरी आरओ प्यूरिफायर नहीं होता है, वो एयर प्यूरिफायर होता है। हाँ वही सेम टू सेम। और कैसा है राजेश भाई, है ना एकदम मस्त आइटम है? क्या है ना राजे भाई अपने एरिया में ना पॉल्यूशन बहुत है। अभी देखो ना आसपास में कितना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जिधर देखो उधर रोड खोद के रखा है। और नहीं तो क्या, उसकी वजह से हमारे एरिया का आईक्यू भी कम हो गया। आईक्यू तेरा कम हो गया बावरी? आईक्यू नहीं होता है वो, AQI होता है। मतलब? एयर क्वालिटी इंडेक्स। मतलब? मतलब AQI। मतलब वाला? अरे देख हम बीमार पड़ते हैं तो मुंह में थर्मोमीटर रख के उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। हाँ। है? वैसे ही AQI होता है ना, उसको मान ले कि थर्मोमीटर है जिससे आसपास की हवा है ना उसकी क्वालिटी चेक की जाए। जो एरिया का AQI ज्यादा वो एरिया की हवा उतनी जहरीली, और हमारे यहाँ का तो AQI बहुत ज्यादा है राजेश भाई, इसीलिए मैंने ये एयर प्यूरिफायर खरीद लिया। पूरी साई दर्शन सोसाइटी बीमार है लेकिन मेरे उधर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं देखती हूँ। प्रणाम। अरे नमस्ते हर्षद भाई। हाँ हाँ हर्षद, आदित्य भाई है। आया लेकिन अब जिस काम के लिए बुलाया वो कर दीजिए। अरे चल ठीक ठीक है, जा जल्दी बैग लेके जा। हाँ, अभी लेके। अब आते तो मजा आता रहा। आऊंगा ना अगली बार पक्का आपके पास बैठ के खाना कर देते। ले लीजिए। क्या ये टी बैग? इन्होंने कहा ना कि ये जल्दी में चाय नहीं पी पाएंगे तो इसलिए घर जाके ये बना के चाय पी लीजिएगा। मेरे कैलिफोर्निया के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उन्होंने भेजी, एकदम मस्त है। अरे बावरी होगी तू, ये क्या बैग दे रही है? ये बैग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बैग लेके आया जो इनके लिए रखा है। जा, 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 जा। ओ, अच्छा वो 1 करोड़ रुपए। चुप रहे ना तू, जा जल्दी। क्या कर रही?
ठीक है, चार पांच काम एक साथ में करती है ना, तो दिमाग खराब हो गया है, तो वायरिंग का प्रॉब्लम है। ये राजेश भाई, राजेश वागले, यही तो सामने रहते हैं। वाह, मस्त आदमी, एकदम मस्त आदमी। और राजेश भाई, ये आदित्य भाई, ये भी मस्त आदमी, सुपर। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।